फ्रेंड्स, आज हम लोग लूप्स की श्रृंखला में डू व्हाइल लूप के बारे में पढ़ेंगे। डू व्हाइल लूप बाकी लूप्स जैसे फॉर लूप और व्हाइल लूप उनसे सिंटेक्स वाइज भिन्न है, और इसके अलावा उसका जो कॉन्सेप्ट है वो भी थोड़ा सा अलग है। जैसे फॉर और व्हाइल को एंट्री कंडीशन, यानी कि हम उसमें एंट्री करते हैं, कंडीशन अगर लगी हुई है पहले और वो फॉल्स है तो हम अंदर एंटर नहीं करते। डू व्हाइल लूप में रिवर्स है, लूप्स की जो स्टेटमेंट है वो पहले है और कंडीशन बिल्कुल लास्ट में है। तो ऐसे केस में अगर कंडीशन हमारी पहली बारी में फॉल्स भी होती है तो भी लूप कम से कम एक बार तो चलेगा ही चलेगा। डू व्हाइल लूप हमको गारंटी देता है कि कम से कम एक बारी वो एग्जीक्यूट होगा, चाहे कंडीशन फॉल्स हो पहली बारी में भी। ठीक है, इसको समझते हैं। अ डू व्हाइल इज अ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट दैट एग्जीक्यूट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड एटलीस्ट वंस एंड देन रिपीटली एग्जीक्यूट द ब्लॉक और नॉट डिपेंडिंग ऑन अ गिवन कंडीशन एट द एंड ऑफ द ब्लॉक। यानी कि जो कंडीशन है वो हमारी कहाँ लगी हुई है, एट द एंड ऑफ द ब्लॉक। कंडीशन लगी हुई है एट द एंड ऑफ द ब्लॉक, ठीक है। दैट एग्जीक्यूट्स अ ब्लॉक ऑफ अ कोड एटलीस्ट वंस, इवन द कंडीशन इज फॉल्स एट फर्स्ट अटेम्प्ट, देन हमारा एक बार स्टेटमेंट तो चलेगा ही चलेगा। जबकि आपने फॉर लूप और व्हाइल लूप देखा है, उसमें पहले कंडीशन वेरीफाई होती है, इफ इट इज ट्रू तो हम अंदर एंटर करते हैं, फॉल्स होता है तो लूप की स्टेटमेंट एक बार भी नहीं चलती। दिस इज द मेन एंड इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन डू व्हाइल लूप एंड अदर लूप्स। अगर डू व्हाइल लूप का हम सिंटेक्स पे ध्यान दें तो डू व्हाइल लूप का सिंटेक्स ये है, डू एंड व्हाइल दोनों कीवर्ड है, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन ऊपर हो जाएगा जैसे व्हाइल लूप में होता था, और यहाँ पे ये जो कोडिंग हमारी हो रही है ये स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट होगी और उसके बाद हम वेरिएबल को मॉडिफाई कर सकते हैं। देन यहाँ पे वी आर एक्चुअली वेरीफाइंग द कंडीशन, यू कैन सी हियर व्हाइल कंडीशन देन सेमीकोलन। फॉर एंड व्हाइल के लास्ट में सिंटेक्स में सेमीकोलन नहीं है, सेमीकोलन वहां पे कब लगाना है हम देखेंगे, लेकिन वहां फॉर लूप और व्हाइल लूप के लास्ट में एट द एंड ऑफ द फॉर लूप एंड व्हाइल लूप सेमीकोलन नहीं है, लेकिन डू व्हाइल में यहाँ पे लास्ट में सेमीकोलन है, ये सिंटेक्स का पार्ट है। और यहाँ पे हमारी कंडीशन वेरीफाई होगी, अगर ट्रू हुई तो हम वापस ऊपर जाएंगे और फॉल्स हुई तो हम बाहर आ जाएंगे, फॉल्स हुई तो हम बाहर आ जाएंगे, लेकिन स्टेटमेंट हमारी एक बार चल जाएगी। इसको हम फ्लो चार्ट के थ्रू भी देखते हैं ताकि आपको और क्लियर और पक्का हो जाए कि ये हमारा कोड है, ये कोड एग्जीक्यूट हुआ, कौन सा कोड है, लूप का कोड है, कंडीशन चेक हुई, ट्रू हुई तो ऊपर जाएंगे, फॉल्स हुई तो बाहर आ जाएंगे। कोड हमारा एक बार एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद कंडीशन हमारी चेक हो रही है। दिस इज डू व्हाइल लूप कॉन्सेप्ट। अब इसमें एक प्रोग्राम हम बना के देखते हैं। इस प्रोग्राम में आप ध्यान से देखेंगे मैं क्या लिख रहा हूं और क्या कंडीशन लगा रहा हूं, तो आपको डू व्हाइल लूप का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा। अब ये क्वेश्चन अगर मैं लिखता हूं और मैं स्टूडेंट्स से पूछता हूं कि इसका आंसर क्या आएगा, तो वो फटाफट आंसर दे देते हैं 1 to 5, विच इज रॉन्ग। देखिए क्यों, a इक्वल्स टू 1, 1 प्रिंट हुआ, कोई कंडीशन ही नहीं है तो सीधा 1 प्रिंट हो जाएगा, a की वैल्यू प्लस प्लस होकर a की वैल्यू हो जाएगी 2। कंडीशन पे ध्यान दीजिए, क्या 2 मेरा 5 से बड़ा है, नहीं, कंडीशन पहली बारी में फॉल्स हो गई, तो मैं यहां से अब बाहर गेट सी एच और प्रोग्राम खत्म। आउटपुट क्या आया, ओनली 1। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डू व्हाइल लूप। अब यही कॉन्सेप्ट अगर मैं फॉर लूप में लगाता हूं, यही प्रोग्राम अगर मैं फॉर लूप में बनाता हूं या व्हाइल लूप का यूज करता हूं, आप कोई भी लूप यूज कर सकते हो,
मान लीजिए हमने while लूप लगाया और यहां पे मैं लगा रहा हूं ए बड़ा है 5 से तब चले, ये प्रोग्राम क्या देगा? देखिए ए की वैल्यू 1 है, यस 1 है, क्या 1 5 से बड़ा है? नो, तो लूप ब्रेक, खत्म, बाहर। ये एंट्री कंट्रोल्ड है, इसको हम बोलते हैं एंट्री कंट्रोल्ड, कि एंट्री पे ही कंट्रोल हो गया। जैसे आप हवाई जहाज की यात्रा करते हैं तो आपके पास टिकट है, आपके पास बोर्डिंग पासिस है, ठीक है ना, अगर नहीं है तो आपको प्लेन में बोर्ड नहीं होने दिया जाएगा। ये वो है कि पहले कंडीशन उसके बाद स्टेटमेंट। ये है ट्रेन कि आप एक बार तो बैठ गए, अब टीटी आएगा पूछेगा टिकट है नहीं है चलो उतरो, या अगले स्टेशन पे उतारेगा या फाइन कटोगा या जो भी जुर्माना लगेगा, पर एक बार तो आप बैठ गए। दैट इज बेसिकली अ डू व्हाइल लूप, दिस इज नोन एज एग्जिट कंट्रोल्ड, इसको हम बोलते हैं एग्जिट कंट्रोल्ड, एंड दिस इज एंट्री कंट्रोल्ड। एक बार भी नहीं चला, आउटपुट क्या आएगा इसका? कुछ नहीं, इसका आउटपुट कुछ नहीं आएगा और इसका आउटपुट 1 आया। यही चीज अगर मैं फोर लूप में लगाऊंगा तो भी यही आंसर देगा, फोर और वाई कई हद तक बिल्कुल सेम है, उनके सिंटेक्स को छोड़ दिया जाए, बट डू वाइल इज सेपरेट। आई होप इस एग्जाम्पल के साथ आपको डू वाइल का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक प्रोग्राम और देखते हैं जहां पे हम 1 to 5 प्रिंट करना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे, तो इसी में चेंज कर लेते हैं। कुछ नहीं करना आपने, बस यहां पे लेस देन लगा देना है एंड इट विल प्रिंट 1 to 5 यूजिंग डू वाइल। ध्यान रखिए कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं जो स्पेसिफिक लूप से ही अच्छे लगते हैं एग्जीक्यूट होना, पर ऐसा प्रोग्रामिंग के अंदर अपने माइंडसेट में कभी मत रखिएगा कि ये वाला प्रोग्राम सिर्फ पर्टिकुलर लूप से चलेगा, कि ये वाला प्रोग्राम फैक्टोरियल का प्रोग्राम है तो वो तो जी फोर लूप से चलेगा, रिवर्स ऑफ डिजिट है वो तो जी हम पैलिंड्रोम के क्वेश्चन है जी, या आर्मस्ट्रांग के क्वेश्चन है वो हम व्हाइल लूप से ही करेंगे, या कोई सर्कुलर ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो वो डू व्हाइल लूप से ही चलेगा। इट्स नॉट मैंडेटरी, हम लूप को इंटरचेंज कर सकते हैं, हम फैक्टोरियल का प्रोग्राम, हम रिवर्स ऑफ डिजिट का प्रोग्राम हम व्हाइल लूप से भी कर सकते हैं, फोर लूप से भी कर सकते हैं, डू व्हाइल लूप से भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी जैसे आपने देखा ये 1 to 5 चलेगा, ए इक्वल टू 1, 1 प्रिंट हुआ, वैल्यू होगी 2, 2 छोटे 5 से, यस छोटे 5 से तो ऊपर जाएगा, क्या प्रिंट करेगा ए की वैल्यू? 2, कितनी वैल्यू कर देगा? 3, 3 छोटे 5 से, यस 3, 4 छोटे 5 से 4, 5 इक्वल है 5 के, यस 5, 6 6 अब ना 5 से छोटा ना इक्वल है तो लूप ब्रेक हो जाएगा, ए की वैल्यू 6 पे ब्रेक होगा लेकिन लास्ट वैल्यू प्रिंट होगी 5, 5 प्रिंट होने के बाद 6 होगा, 6 पे लूप ब्रेक हो जाएगा लेकिन 5 प्रिंट हो चुका है। तो मैं आपको बता रहा था कि कोई भी प्रोग्राम किसी भी लूप से बना सकते हैं, ऐसे माइंडसेट रिजिडनेस प्रोग्रामर के दिमाग में नहीं आनी चाहिए कि मेरे को ये वाला जो प्रोग्राम है ये वाले लूप से ही बनाना है। हाँ, इस बात पे मैं अग्री करता हूँ कि कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक लूप से सुटेबल रखते हैं बनाना, बट ये कोई कंपल्शन नहीं है, हम कोई भी लूप का कोई भी प्रोग्राम किसी भी लूप से बना सकते हैं। ये क्लियर हुआ? ठीक है, अब जैसे मुझे इसमें पहले 10 ऑड नंबर प्रिंट करवाने हैं तो बड़ा आसान है, यहाँ मैं ए इक्वल टू ए प्लस 2 कर दूंगा और यहाँ पे मैं 19 कर दूंगा, फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स, तो ये इस तरीके से हमारा प्रोग्राम हो जाएगा 1 3 3 19 छोटा है, 3 प्रिंट हुआ, 3 प्लस 2 5, 5 19 से छोटा है, 5, 5 प्लस 2 7, 7 19 से छोटा है, इस तरीके से हमारा ये प्रोग्राम चलेगा। आई होप आपको डू वाइल का इंट्रोडक्शन क्लियर होगा, आप कुछ फोर लूप के प्रोग्राम्स और वाइल लूप के प्रोग्राम्स डू वाइल लूप से बना के देखिएगा। थैंक यू।